एक्सप्लोर ट्रेन हर्ष योर ट्रैवल विद मी। कोई भी लॉन्ग राइड पे जाने के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपरेशन होना जरूरी है, और खास करके जब सोलो राइड में जाएंगे तो और ज़्यादा जरूरी है। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर ड्रीम पे, तो और नहीं तो फेसबुक पेज एक्सप्लोर ड्रीम पे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक सोलो ट्रिप में जा रहा हूँ लद्दाख, और उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ लेके जा रहा हूँ तो वो दिखाऊंगा आप लोगों को, और मिनिमम क्या क्या चीज़ चाहिए और कैसे प्रिपरेशन किया है मैं खुद को तो बताने जा रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट तो क्या, बाइक फुल सर्विसिंग करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा एक महीना पहले ही मैं सर्विसिंग कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा सर्विसिंग नहीं किया हूँ। मतलब फुल सर्विसिंग किया था, एक मैक्सिमम 500 किलोमीटर रनिंग हुआ, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं किया हूँ, लेकिन फुल चेकअप कर लिया। जैसे कि एक्सीलेटर केबल, क्लच केबल, ब्रेक ऑयल और टायर का दोनों ट्यूब और ब्रेक पैड, ये सब कुछ चेक कर लिया। टायर में मैं नाइट्रोजन फिलअप कर लिया हूँ ताकि हीट भी कम होगा और एक्सपेंड में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद भी मैं मतलब सोलो जा रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है, मतलब टायर पंचर तो ये तो ट्यूबलेस नहीं है मेरा टायर, मतलब बाइक में वो तो कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या किया, पहले बार तो दो पेयर ट्यूब ले लिया हूँ, और तो पंचर रिपेयर करने के लिए उसका पूरा किट ले लिया हूँ। तो पहले तो ये दोनों लीवर, एयर लीवर देखिए, ये मतलब टायर खोलने के लिए भी आएगा और सेल्फ डिफेंस करने के लिए भी आएगा ये दोनों, क्योंकि ये टाउन राइड आप लोग देख लिया है तो इसमें ये दोनों बहुत काम पे आया था, क्योंकि पंक्चर हो गया था उसको रिपेयर भी किया था, उसने फिर से ले लिया। साथ में और भी जो भी चीज़ रखता है वो ले लिया। देखिए तो बाइक में सामान में जो लिया हो, ये तो देखिए लीवर देख लिया, एक्स्ट्रा जो स्पेयर पार्ट्स मतलब दो ट्यूब लिया, आगे वाला एक पीछे वाला एक, दो ट्यूब ले लिया। उसके बाद जो एयर देने के लिए इन्फ्लेटर, टायर इन्फ्लेटर ये लिया हूँ, मतलब तवांग सीरीज, तवांग सीरीज जो देखा है ये मेरा ना, ये दूसरे एक का हमार लिया हूँ, एक एक चेन लिंक लिया हूँ जो एक्स्ट्रा चेन लिंक, क्लच केबल स्पेयर, एम सील, और मेरा जितना भी टूल्स है वो टूल्स तो बाइक में ही है, और एक्स्ट्रा लिया हूँ एलन की सेट एक है, और एक एडजस्टेबल रेंज, एक स्क्रूड्राइवर सेट, और इनकेस पंक्चर हो जाएगा, पंक्चर रिपेयर करने के लिए एक पट्टा बोलता है इसको ले लिया हूँ। इसके साथ जो बीमारी पेपर और एक पेस्ट ये ले लिया हूँ। तो और चेन को लीव करना पड़ता है तो चेन लीव एक ले लिया हूँ। तो थोड़ा एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ लास्ट एक महीना से, थोड़ा सा रनिंग और स्कीपिंग ऐसे कर रहा हूँ, तो क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जाना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होगा, कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने से सांस फूलेगा, तो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो भी थोड़ा प्रिकॉशन के लिए थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ठीक है तो चलिए। उसके बाद क्या, जो मेडिकल मतलब सोलह हज़ार कुछ भी, जो मिनिमम जो मेडिसिन चाहिए वो ले लिया, जैसे कि बुखार, पेट खराब, ORS, ये सब मेडिकल जो बेसिक मतलब मेडिसिन है वो सब ले लिया। मेडिसिन में लिया हूँ इतना सारा मेडिसिन, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लिया हूँ, और बाइक का फुल पेपर ले लिया हूँ, RC, जैसे कि RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ये सब कुछ ले लिया, और एक चार्जिंग का मतलब मल्टीपल सॉकेट वाला एक्सटेंशन केबल, एक्सटेंशन बोर्ड, और उसके बाद रोप एक ले लिया हूँ, बंजी कॉर्ड जो भी लगता है, पावर बैंक। उसके बाद भी मैं मतलब मेरा प्लानिंग है ऐसा, जो टेंट में मतलब कैंपिंग करूँगा तो उसके लिए कैंपिंग का पूरा सामान ले लिया हूँ, वो देख लीजिए। तो कैंपिंग का पूरा सामान ले लिया हूँ, खाने का थोड़ा बहुत सामान और टूल्स, और ये है कैंपिंग स्टोव और
ब्यूटेन का गैस सिलेंडर दो लिया हूँ, साथ में ये योगा मैट और कैंपिंग का टेंट और एक ट्राइपॉड लिया हूँ, साथ में छोटा वाला एक फ्लैग है वो लिया हूँ और ये मेरा सैडल बैग, यही सामान लिया हूँ मैं। और जितना भी मेरा गैजेट है वो टैंक बैग में ही रहेगा, टैंक बैग में ही रहेगा गैजेट्स। उसके बाद जो हो गया, मैं मिनिमम कपड़ा लेके जा रहा हूँ क्योंकि तांग राइड में बहुत सारा सामान लेके गया था, वो आधा अनयूज्ड होके वापस आ गया, दूसरे मैं थोड़ा इस बार कम करके लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरा राइडिंग जैकेट तो है, राइडिंग के हमेशा तो राइडिंग जैकेट ही पहन के जाऊँगा, तो ज़्यादा कपड़ा लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। ले रहा हूँ दो जीन्स ले रहा हूँ और इनर वेयर थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ और टी शर्ट ले रहा हूँ दो, यही। और वार्म मतलब ठंडे के लिए थोड़ा दो कपड़ा ले लिया हूँ, इनर वेयर और स्वेटर वगैरह, यही है। ये रेनकोट है मेरा, क्योंकि रेनकोट तो ज़रूरी है, कब किधर बारिश आ जाएगा उसके लिए रेनकोट चाहिए। और एक चीज़ लिया, वो दिखाया नहीं आप लोगों को, मतलब ये छोटा वाला टूल लिया हूँ डिकेथलन का, ये बड़ा टूल लिया, यही है। जितना भी सामान है वो मैं ले लिया हूँ, तो उसके अलावा कुछ भी हो सकता है छूट गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ नहीं है, करना है लेके ही जाना है, तो यही है मेरा प्लानिंग। और कुछ सामान अभी तक है नहीं मेरे पास, वो जाते वक्त ऑन द रोड वो बाई करूँगा, वो दिखाऊँगा आप लोगों को पूरा, यही है। और तो चलिए, ये वीडियो अब तक जब तक देखेंगे और तब तक मैं मतलब राइड में निकल चुका हूँ। और एक चीज़ बोलना भूल गया, मतलब लद्दाख रीजन में यूनियन टेरिटरी, उसमें जो कि उधर का ही सिम चलेगा, नहीं तो दूसरा जो आउटसाइड ऑफ इंडिया का सिम नहीं चलता है, तो उसके लिए मैं क्या किया, एक पोस्टपेड सिम लेने वाला था, तो बीएसएनएल का पोस्टपेड लेने के लिए गया था, लेकिन वो नहीं मिला बोल के मैं फिलहाल जियो का ले लिया हूँ। देखता हूँ कैसे नेटवर्क रहता है, सुना हूँ तो अच्छा है, बाकी पता नहीं, जाने के बाद खुद को ही पता चलेगा, यही है फुल अपडेट। तो प्लानिंग तो है कल निकलने का, कल सुबह निकलने का, तो निकेश अच्छे से रात में नींद हो गया, पैकिंग हो गया, तो कल सुबह ही निकल जाऊँगा, और नहीं तो एक दिन बाद जाऊँगा। और एक पूरा लद्दाख सीरीज पूरा पाने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, हैशटैग एक्सप्लोर ड्रीम टू लद्दाख, ये सर्च करने से कहाँ है, कहीं पे भी गूगल में सर्च करने से पूरा जहाँ पे भी मिलेगा पूरा लोगों पास आ जाएगा, तो यही है। चलिए, अभी बहुत पसीना आ रहा है, फैन बंद करके शूट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो यही है। चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और पूरा चैनल में पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाला टाइम पे वीडियो आने वाला है पूरा अलग सीरीज में, तो यही है। ओके, बाय बाय, सी यू सून।